सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मंथ 9 एंड गाइस मंथ 10 रॉयल पास के 1-50 आरपी रिवॉर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दोनों के आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है 1-50 आरपी रिवॉर्ड यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं। काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं, मैंने भी अभी तक यहाँ पे नहीं देखे हैं। चलो मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है देखता हूँ गाइस, देखते हैं कितने कमाल के हमारे सामने यहाँ पे जो है रिवॉर्ड होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है टायर रिवॉर्ड के बारे में। तो टायर रिवॉर्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा सुपर होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर देखो भाई, सिल्वर ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जो है गॉगल्स की स्किन यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो यार बहुत ज्यादा सुपर्ब लग रही है। ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ पे जो है गॉगल्स को पर्पल टाइप का कलर जो होता है वो यहाँ पे दिया गया, बैंगनी टाइप का कलर जो होता है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ अगर हम बात करें आप लोगों के लिए आउटफिट के बारे में, तो गाइस गोल्ड पे आप लोगों को यहाँ पे जो है काफी ज्यादा तलकती मलकती आउटफिट जो होती है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। गर्ल आउटफिट है, इसको किसी भी लड़की पर ट्राई मत करना, मेरे को पता है आप लोग यहाँ पे जो है भाई विक्टर को पहनाओगे, विक्टर को नचवाओगे इस वाली आउटफिट से, लेकिन यार बेचारों को छोड़ दो यार, काफी छोटा सा काफी क्यूट सा बंदा है हमारा। ठीक है, लेकिन गाइस अगर हम बात करें आउटफिट के बारे में, तो गाइस आउटफिट बहुत सुपर्ब लग रही है, जैकेट भी बढ़िया लग रहा है, बाकी इसके जो भी चीजें हैं वो भी बहुत बढ़िया लग रही है। मैंने नहीं बोला चीज क्या है, आप लोग समझ सकते हो मैंने नहीं बोला। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है और चीजों के बारे में, तो देखते हैं यार और क्या क्या इन लोगों ने यहाँ पे जो है डाला है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे जो है इसके बाद एक पैराशूट की स्किन जो होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल। उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है डायमंड के बारे में, तो गाइस डायमंड पे आप लोगों को यहाँ पे जो है M24 की स्किन जो होती है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफी राजा महाराजाओं के टाइप की हम लोगों को यहाँ पे जो है दिखाई जा रही है। ओवरऑल लुक भी सर बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। चेने बंधी हुई है भाई इसके पीछे, चेने वो भी भाई बहुत ज्यादा सुपर मेरे को तो यहाँ पे जो है लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करना। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है एक आप लोगों को मास्क भी देखने को मिल रहा है, जो उस गर्ल आउटफिट ने पहन रखा था, जिसके ऊपर यहाँ पे जो है साइकिल 1 S5 यहाँ पे जो है लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, उसी के बाद साइकिल 1 साइकिल 2 S5 यहाँ पे जो है लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, चला जहां मैं गलती करता हूँ ना वहीं पर आप लोग पकड़ते हो और वहीं पर जाके कॉमेंट करते हो भाई ये गलत बोला तूने। ठीक है भाई, गलती हो जाती है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है हेयर के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है पर्टिकुलर काफी अलग से जो होता है वो भी आप लोगों को टायर रिवॉर्ड के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल अलग है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे जो है एस पे देखने को मिलेगा, उस पर आप लोगों को पता है इस डोमिनेटर पे आप लोगों को यहाँ पे जो है C2 S5 का देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को पता है जो नॉर्मल होता है हमारा कॉन्करर का फ्रेम C2 S5 जहाँ पे लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है रॉयल पास की आउटफिट्स के बारे में। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को यहाँ पे, बिकॉज मैंने भी देखी नहीं है, मैं पहली बार आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है देखने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पे जो है कंप्लीट तरीके से आउटफिट निकल कर नहीं है, लेकिन आउटफिट का जो पोस्टर होता है वो यहाँ पे निकल कर आ चुका है। ये आप लोगों की यहाँ पे मंथ 9 रॉयल पास की 50 RP की आउटफिट, भाई यार क्या कमाल की लग रही है, मेरे को जूम करना पड़ेगा। हाँ तो भाई दिखने में तो यार बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है, ये लग रहा है काइंड ऑफ जो मम्मी सेट होता है ना हम लोगों को यहाँ पे, वैसा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिकॉज आप लोग खुद चेकआउट करो पोस्टर के अंदर, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वहां तक मेरे को साफ साफ ऐसा लग रहा है कि भाई इसकी जो है ना फर्स जो होते हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं, इसकी जो चोटियां होती है वो लंबी लंबी चोटियां नहीं है लेकिन कपड़ा ये कोई वो भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेग्स भी काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं भाई, मजा आने वाला है। जो इन्होंने यहाँ पे जो है मंथ 8 एंड मंथ 7 खराब किया है ना, ये मंथ 9 एंड मंथ 10 यार बहुत सुपर लेके जाने वाले हैं भाई, मेरे को तो मजा आ गया। उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है, चलो ठीक है ये तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख ही लिया है, अब बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है और चीज़ों के बारे में। तो यार ये देखो, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे जो RP1 पे आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है आप लोगों के सामने ये आउटफिट। अगर हम बात करें इसके लुक के बारे में, तो गाइस काफी ज्यादा डूक टाइप का लग रहा है ना वैसे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हेडफोन इसने पहने हुए हैं यहाँ पे, आंखों में गॉगल्स पहने हुए हैं इसने, काफी ज्यादा अलग क्वालिटी का लग रहा है। ठीक है, मेरे को नहीं पता इसका पर्सनली मैं क्या नाम दूं, लेकिन यार काफी अलग क्वालिटी का मेरे को यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, मेरे को तो बहुत सुपर लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे, चलो फाइनली इन लोगों ने यहाँ पे जो है 40 RP पे Kar98 की स्किन जो होती है ना गाइस वो यहाँ पे दी है। Kar98 स्किन आ चुकी है ना, हम लोग को M16 देखने को मिली, नाम लोग को यहाँ पे जो है Scarlet देखने को मिली, भाई फाइनली यहाँ पे जो है Kar98 स्किन देखने को मिल रही है। दिखने में काफी अच्छी लग रही है भाई, काफी ज्यादा आंख वाख बनी हुई है इसके ऊपर भाई, हो सकता है कुछ भी, बिकॉज मेरे को तो ब्लर लग रहा है, मेरी आंखें भी थोड़ी कमजोर है। आप लोग कैसे लगी कमेंट जरूर करके बताना भाई, वैसे ओवरऑल तो काफी अच्छी लग रही है। ठीक है, उसी के बाद देखते हैं आगे इन्होंने यहाँ पे जो है क्या दिया है। तो ये है आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है कंप्लीट अवतार। अब अवतार में आप लोग यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो, उसने यहाँ पे जो है लोहे की चेन में जो है वो लटक रही है भाई साहब की, हाथ वाथ ऐसे करके बैठा है भाई, पोस्ट तो तगड़ा दे रखा है भाई, मजा आने वाला है इस वाले आउटफिट को अनलॉक करने में। ठीक है, उसी के बाद चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों को फ्री में क्या मिलने वाला है। तो गाइस फ्री में आप लोगों को यहाँ पे जो है UMP और UG से हटकर आप लोगों को यहाँ पे जो है क्यूबिकेट की स्किन जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो दिखने में काफी ज्यादा सुपर्ब लग रही है, बेटर है यूजी एंड गाइज आपकी सो जो आई थी ना क्या बोलते हैं UMP9 से, तो उससे बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे जो है क्यूबिजेड की स्किन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है रॉयल एडवेंचर के अंदर ये खतरनाक सा आउटफिट जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई,
भाई रॉयल एडवेंचर के अंदर तो यहाँ पे जो है खतरनाक आउटफिट डालना ही चाहिए, बिकॉज यार बहुत प्यारा मेहनत लगती है उन क्रेट्स को यहाँ पे जो है ओपन करने के अंदर। ठीक है, तो यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बाकी पोस्टर निकल कर आया मैं यार क्या ही बात करूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कि आप लोगों को आपके ट्रेजर क्रेट के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है आरपी का ट्रेजर क्रेट, जो यार सुपरबली बहुत ज़्यादा कमाल का मेरे को तो यहाँ पे जो है लग रहा है। आई डोंट थिंक सो कौन से मंथ की आउटपुट वापस से रिटर्न हुई है, आप लोग खुद बता सकते हो मेरे को यहाँ पे। आई थिंक बहुत पहले का ही कोई मंथ है यहाँ पे, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा सुपर लग रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कंप्लीट आरपी क्रेट के बारे में, तो वो भी आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे जो है एक दो तो मिथिक आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, 3, 4, 5, 6 आप लोगों को यहाँ पे जो है कम से कम 4 चीज़ें आप लोगों को लेजेंडरी देखने को मिल रही है, बाकी सारी आप लोगों को यहाँ पे जो है एपिक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे आउटफिट इन्होंने यहाँ पे जो है डाले हैं भाई, मेरे को तो लग रहा है मज़ा आने वाला है आप लोगों को यहाँ पे आरपी ट्रेजर के अंदर भी। ठीक है, बाकी तो यार ओवरऑल बाकी जो चीज़ें होती है पुरानी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डाला है, लेकिन यार जो मिथिक आउटफिट है ना पर्सनली मेरे को तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, आप लोग ऐसी लगी कॉमेंट जरूर करना, मैं नीचे से देख रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए नीचे है। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि आई कॉन्टेंट नहीं कर रहा। ठीक है, उसी के बाद चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है और चीज़ों के बारे में। तो गाइस आरपी का लोगो जो होता है वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो, आरपी टेन का आप लोग नॉर्मल भी देख लो, आरपी टेन का आप लोग यहाँ पे जो हाईफाई होता है पैसे वालों का वो भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है और चीज़ों के बारे में, तो बेसिकली क्या है सर आप लोग यहाँ पे देखो, अब मैं आप लोग को यहाँ पे जो है दिखाता हूँ आपके मंथ 10 रॉयल पास की 50 आरपी की आउटफिट। भाई साहब क्या दानव बना रखा है भाई, मेरे को तो कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यार बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, कंप्लीट दानव है, बिकॉज उसका जो हेड ईयर आप लोग यहाँ पे खुद चेकआउट करो, उसका सर पे पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। भाई पोस्टर निकल कर आया जिस हिसाब से, मैं उस हिसाब से जज कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी भाई यार इसके जो कपड़े हैं ना भाई वो भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा अजीब टाइप के लग रहे हैं, एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा इंसिन टाइप के कपड़े जो होते हैं ना गाइस वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। भाई मज़ा आने वाला है मंथ 10 एंड गाइस मंथ 9 में 100% मज़ा आने वाला है, अच्छा रोल पास अगर है गाइस मैं डेफिनेटली यहाँ पे जो है गिव अवे करने वाला हूँ। ठीक है, उसी के बाद चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कि आरपी 1 पे क्या देखने को मिलेगा मंथ 10 के रॉयल पास के अंदर। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखो कुछ काइंड ऑफ मम्मी टाइप की आउटफिट जो होती है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो यार मेरे हिसाब से तो काफी बढ़िया लग रही है। आप लोग कैसे लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करना, बिकॉज मैं पोस्टर के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जब निकल कर आएगा तो उसके बाद भी वीडियो आएगी, टेंशन मत करो, चैनल पे पहली बार आओ फटाफट जाके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है इसकी गन की स्किन के बारे में। भाई प्लीज कारण मत देना। हाँ फाइनली यहाँ पे जो है भाई हम लोगों को मंथ 10 के रॉयल पास के अंदर 40 आरपी पे AKM गन की स्किन जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले वाले में कार 98, इसकी में हम लोगों को यहाँ पे जो है AKM की स्किन यहाँ पे दिखाई जा रही है, जो यार दिखने में सुपर लग रही है। ठीक है, बाकी जो मेन टेक्सचर निकल कर आएगा ना वो थोड़ा सा यूनिक होगा इससे, तो ठीक है दिखने में बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है। ब्लू कलर दिया गया है, व्हाइट कलर दिया गया है, गोल्डन कलर दिया गया है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, मजा आएगा, सीधी बात है मजा आएगा। ठीक है, उसी के बाद चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है पोस्टर लुक के बारे में। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखो, ये है आप लोगों का यहाँ पे 50 आरपी का आउटफिट, जो यार पोस्टर लुक में ऐसा दिख रहा है, दो सिंग इसके भाई ऐसे साउंड जैसे निकल रहे हैं बाहर, और इसका फेस भी बहुत ज़रा कमाल का लग रहा है, इसका जो आगे का मास्क है वो भी बहुत ज़रा कमाल का लग रहा है, ड्रेस जो है काफ़ी ज़रा उड़ रही है इसकी, पता नहीं कैसे, मज़ा आएगा। ठीक है, उसी के बाद चलिए बात करते हैं फ्री में क्या मिल रहा है। तो फ्री में आप लोगों को यहाँ पे जो है M16 गन की स्किन जो होती है वो मिल रही है। भाई M16 को तो लाना ही है इनको, पता नहीं घर की कोई सहेली है क्या है, M16 को तो इनको उठाए कहीं ना कहीं से उठा के डालना ही है कि नहीं भाई हमारी M16 कहाँ गई, उसको बुला के लाओ साला हमेशा। चलो ठीक है, फ्री भी मिल रहा है, रख लो अपने पास, काम आएगी। ठीक है, उसी के बाद चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है रॉयल एडवेंचर के बारे में। तो रॉयल एडवेंचर के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है ये मिल रही है, ये लड़की की आउटफिट देखने को मिल रही है, जो यार दिखने में बहुत सुपर लग रही है, बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है, बिकॉज मैं चाहता था कि एक गर्ल की आउटफिट जो है आप लोगों के लिए रॉयल एडवेंचर में है ताकि मैचअप हो जाए। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कि इसकी जो आरपी ट्रेजर क्रेट है वो यहाँ पे कैसी होने वाली है। ठीक है, तो उसकी आरपी ट्रेजर क्रेट को भी आप लोग यहाँ पे जो है काफी आसानी से चेकआउट कर सकते हो। गाइस यहाँ पे आप लोग खुद चेकआउट करो, यार ये है इसकी पर्सनली यहाँ पे जो है आरपी ट्रेजर क्रेट। यार ये तो अभी रिसेंटली आई थी कहीं पे है ना, मैं भूल रहा हूँ कौन से रॉयल पास के अंदर आया था, आप लोगों को याद है तो कमेंट जरूर करना। लेकिन आइए इसकी यहाँ पे जो आरपी ट्रेजर क्रेट है, 2 मिथिक आउटफिट है, 4-5 आप लोगों को लेजेंडरी देखने को मिलेगा, बाकी सारे एपिक है, एंड सारे आइटम यार काफी ज्यादा कमाल के मेरे को तो यहाँ पे जो है लग रहे हैं। पहले वाली जो आरपी ट्रेजर क्रेट थी उसका भी कमाल के, ये वाली जो आरपी ट्रेजर क्रेट है ना गाइस इसके भी जो आउटफिट है बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। ठीक है भाई, पर्सनली दोनों रॉयल पास मेरे को तो है बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे जो है दोनों रॉयल पास के लुक जो होते हैं वो यहाँ पे कैसे लगे इसके बारे में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो यार सारा जो भी निकल कर आया था मार्केट में, चाहता तो मैं कर ही डाल लेता, लेकिन मैंने जो है सोचा एक दिन वेट करता हूँ, बस कल मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी 2 वीडियोस को अपलोड कर लिया था। ठीक है, तो यार सारा जो भी कुछ निकल कर आया है मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखा दिया, अभी तो पता नहीं कितना सारा और निकल कर आने वाला है, नए कैरेक्टर के बारे में, 1.9 की लॉबी के बारे में, एंड गाइजर और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में, रॉयल पास के कंप्लीट टेक्सचर के बारे में। भाई मेरे पे उंगलियां खत्म हो जाएगी, इतनी चीजें आने वाली है। तो गाइस क्या कर रहे हो, चैनल पहली बार आए हो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, बिकॉज तुम्हारा भाई बैठा है हर एक चीज दिखाने के लिए। तो गाइस फटाफट जाके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। But that's all right. Hush.